नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं क्यों। आप किसी आदमी को फ्रेंचाइजी देते हैं आपकी भाषा में या जोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको आपने बिजनेस की उनको एजेंसी दे दी और इसके बाद आपको सिखलाना जरूरी है और आप लोग सिखलाते नहीं है। ज्यादातर नेटवर्कर बिजनेस सिखलाने वाले पॉइंट को भूल जाता है, केवल फ्रेंचाइजी बांटते चला जाता है, लोगों को जोड़ते चला जाता है, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा? ये तो हार्ड वर्क हो गया ना। अगर हम उसको बिजनेस सिखला दिए और वो बिजनेस करने लग गया तो हमको ज्यादा पैसा आएगा ना। नेटवर्क बिजनेस के अंदर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने 2-4 डुप्लीकेट बना लिए अपने सोच जैसे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल जैसे और अपने काम करने का डुप्लीकेशन करने जैसे। अगर हमने 4 आदमी बना लिए ना, अनलिमिट पैसा कमा सकते हैं। आप अपना एक आदमी बनाओ, जैसे आप वैसा सोचने वाला नीचे आपके ग्रुप में किसी लीडर को, किसी स्पीकर को, किसी आदमी को ट्रेंड कर दो। ये ट्रेंड करने का धंधा है, ये सिखाने का धंधा है। 2-4-5 लोगों का बिजनेस है, ये ज्यादा लोगों का बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों का बिजनेस है, ये कुछ लोगों को बिजनेस सिखलाते हैं। वही कुछ लोग कुछ को लाकर ढेर सारे लोग हो जाते हैं कि नहीं। अब आप जोड़ते चले जाते हैं, बिजनेस सिखलाते नहीं है तो आपका डुप्लीकेशन होता नहीं, तो बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। और वही संख्या जो है जिनको आपने जोड़ा हुआ है और वो बिजनेस जब नहीं करते हैं उनको देख के आप नेगेटिव हो जाते हैं। यस या नो? आपको लगता है कि ये बिजनेस का दम है, ये बिजनेस कर नहीं रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, जोड़ा था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। अरे जिस आदमी ने फ्रेंचाइजी ले ली वो बिजनेस करना चाहता है, इसलिए पैसे दिया है। यस या नो? वो सीरियस है, आप सीरियस नहीं है। जो फ्रेंचाइजी दिया है वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस रहेगा, वो उसको बिजनेस सिखलाएगा तो बिजनेस करेगा ना। तो बिजनेस सिखलाना है, सिखलाने के ही पैसे आते हैं। आपको पैसे किस बात के आते हैं ये जानना जरूरी है कि नहीं है? आपको बिजनेस नीचे सिखलाने के पैसे आते हैं और सर्विस देने के पैसे आते हैं। यस या नो?